हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। वी आर स्टडिंग इन क्लास फिफ्थ चैप्टर सिक्स्थ अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में अपन अभी तक क्या स्टडी कर ली कि फ्रैक्शंस होती क्या है, उसे कैसे राइट करते हैं, है ना, और उसके नेमिंग ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ ली। फिर अपन ने इसके टाइप्स भी पढ़े कि फ्रैक्शंस होते हैं वो मोस्टली थ्री टाइप्स की होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आज अपन इसके बाद में जो क्लास है उसमें अपन स्टडी करेंगे कि ये जो फ्रैक्शंस अपन ने लिए हैं, ये फ्रैक्शंस नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कहने का मतलब अगर अब मुझे नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूं। देखो, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का मतलब समझो पहले। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन का मतलब क्या होता है, आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है ना, और यहां पर सेंटर में आपको जीरो ड्रॉ करना है। अब इसके अंदर क्या होता है, नंबर लाइन में ये वाला हैंड कौन सा होता है, अपना लेफ्ट हैंड, और ये वाला राइट हैंड। ये वाली साइड राइट हैंड हो गई, ये वाली क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड, यानी जीरो के राइट साइड में और जीरो के लेफ्ट साइड में। अपने होल नंबर पढ़े, होल नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अपन ने यहां क्या लिख दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपन इस लाइन के ऊपर ये नंबर्स लिख ले, इसको अपन क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंट। अब देखो, अगर आपने आपने पढ़ा हो, ये तो होल नंबर थे, आपने पढ़े इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या होते हैं, माइनस वाले नंबर भी आते हैं, लेकिन आपने अभी तक इंटीजर नंबर नहीं स्टडी किए। आपको बस केवल ध्यान क्या रखना है, बस जीरो के इधर वाले नंबर्स को ध्यान रखना है। इसको अपन, ये नंबर अपन ने इसके अंदर राइट कर दिए। अब आपको अगर मैं कहूं 7 इसके ऊपर राइट करो तो आप क्या होगे, 6 के बाद 7 आ जाए। मैं कहूं 9 करो तो आप कहोगे 8, ये 9 आ गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि मुझे 1.5 राइट करना है इस नंबर लाइन में। अब इसको कैसे राइट करोगे आप, मैंने ऐसे कह दिया 3/2 राइट करना आपको इसके ऊपर, कैसे राइट करोगे। तो ये नंबर्स अपन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो अपन आज स्टडी करेंगे, ओके। चलो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसी नंबर से, 1 and 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है, आपको सीधा सीधा पता है कि 1.5 का मतलब होता है, कोई भी चपाती है, कोई चीज ले ली अपन ने, उसका हाफ पार्ट होता है वो 1.5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 अगर कोई चीज अपने पास है 1, उसका क्या। अब इससे एक चीज तो आपको पता चल गई, 1.5 का मतलब ये हो गया कि ये 1 से छोटा नंबर है। भाई अगर मैं इसे ऐसे यहां से हटा दूं तो ये बच गया 1, कोई चीज उससे भी क्या है, स्मॉल वाला पार्ट है ये 1.5। यानी पहली चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि ये नंबर लाइन में बिटवीन किसके बीच में आएगा, तो आप क्या कहोगे, ये 0 और 1 के बिटवीन आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि ये 1 से स्मॉल है तो इसका मतलब पक्का ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बिग है भाई। 0 तो कोई, 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब ये होता है कुछ नहीं, मतलब यहां पे कोई चपाती अपने पास है ही नहीं तो किसका पार्ट करेंगे। अब यहां पे क्या आ गया, 1 से थोड़ा छोटा, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 and 0 and 1 के मिड आ गया, पहली चीज तो ये। अब देखो, अब इसको करने का तरीका कैसे होगा, जैसे मैंने लिखा 1 and 2, तो आप क्या करो, ये जो जीरो वाला पार्ट है ना, 0 से 1, इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, क्योंकि अपने पास यहां पे जो ये जो लास्ट में नंबर लिखे हुए होते हैं ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इस बीच वाली जो पार्ट है ना, उसे कितने पार्ट करने हैं आपको। तो इसका मतलब कितने पार्ट करने हैं अपन को, 2 पार्ट। तो मैंने क्या किया, इसके मिड में एक पार्ट और कर लिया, ये तो हो गया इसका 1 पार्ट और ये हो गया इसका 2 पार्ट। ध्यान से देखो, ये तो इसका 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, तो अपने को 1 and 2 करना है। तो इधर वाला 1 and 2 नहीं है क्या, तो अपन यहां लिख देंगे 1 and 2। आ रहा है समझ में, चलो कोई नहीं, अपन और इसको इजी करते हैं। 1 and 2 से छोड़ो, मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, मैंने क्या किया, इसके क्या किया, 4 पार्ट कर दिए। ध्यान से देखना अब, अब मैंने इस चपाती के क्या कर दिए, 4 पार्ट कर दिए, 1 and 4। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे 1 and 4 रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से देखो आप, मैं कहूं 1 and 4 रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो, आपको बोला पहली चीज, ये 1 चीज, ये अपने पास कोई भी थिंग है उसका 1 था, उसको अपने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये कहां आएगा, तो आपको पता है कि ये मिड कहां से, 0 और 1 के बीच में आएगा। भाई ये पूरी 1 है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 2 और 3 तो जाएगी नहीं, ये अपने पास क्या 1 है, तो ये कहां आएगा अपने पास, इस 1 और 0 के मिड में आएगा। अब अपने पास कितने पार्ट है टोटल, 4 पार्ट। तो आपको क्या करना है, इस 0 और 1 वाले जो पार्ट है ना, देखो इसको मैं थोड़ा सा ना, वो बोलते ना मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा, इसको बड़ा कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, ये 1 है। अब मैंने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3 एंड ये वाला पार्ट 4। ये 0 और 1 वाले पार्ट को मैंने कितने में डिवाइड कर दिया, 4 में डिवाइड कर दिया। अब ये वाला पार्ट कौन सा है, देखो
तो मेरे पास देखो इधर ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट कितना है, टोटल पार्ट आपको बताया 4 है, सबके नीचे 4 डाल दो आप। ओके, अब देखो ये वाले पे क्या आएगा, पहला नंबर का सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ध्यान से देखना आप, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, 1 ही आ रहा है अपने पास। ठीक है, अब अगले कोई अपन कहे कि इसमें है ना मुझे 1 और 4 आप शो करो, तो आप क्या बोलोगे, सर ये देखो 1 और 4 यहां शो हो रहा है। अगर कोई कहे कि देखो ये वाला पार्ट है ना मैंने इसे सेडेड कर दिया, अब मुझे सेडेड वाले पार्ट का रेशियो बताओ, तो आप क्या कहोगे 1, 2, 3, टोटल पार्ट कितने हैं 4, यानी 3 और 4 आ रहा है। अब कोई कहे 3 और 4 शो करो, तो आप क्या कहोगे, ये लो 3 और 4 शो कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? चलो और ज्यादा इसको एक्स ना और अच्छे से करते हैं इसको, ये चीजें क्या आपको थोड़ी सी समझनी है, फिर आप बहुत इजी से कर सकते हो इनको। अब मैंने क्या किया, मैंने जो ये आपका चपाती लिया उसका मैंने और पार्ट बनाए, क्या बनाए ध्यान से देखना। अब मैंने इसको क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल पार्ट कितने हो गए 8, और ये अगर कोई मुझे पूछे तो ये क्या हो गया 1/8। ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे 1/8 है तो मेरे पास 1 ही था ना पूरा, इसी का तो डिवाइड किया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट 1/8 अगर मुझे कोई शो करना है तो कहां मिलेगा, 0 और 1 के मिड में। अपने मैंने वापस इसे मैग्नीफाई ग्लास से इसे बड़ा बना दिया, ये तो 0 रखा और इसको मैंने क्या कर दिया 1। अब मुझे क्या करने है, इस वाले नंबर्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड करने है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 हो गया। अब देखो आपको पता है टोटल पार्ट कितने हैं, 8 है, बस सबके नीचे 8 डाल दो। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ये वाला पार्ट कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/8, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1। ओके, अब बताओ, अब किसी भी पार्ट को कर सकते हो, आपको कोई बोले 1/2 बताओ तो आप क्या कहोगे, ये लो 1/8 हो गया। अब मुझे ऐसे करना है, मुझे ये देखो मैंने ऐसे कर दिया, अब बताओ कितने पार्ट सेटेड है इसके, 1, 2, 3, 3 है तो 3/8 बताओ, 3/8 कहाँ है, ये लो ये 3/8 है। अगर कोई बोले कि इसके अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट है बिना सेटेड वाला पार्ट उसके बारे में बताओ, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो अपन क्या बोलेंगे 5/8, तो 5/8 कहाँ है, ये लो 5/8 यहां है। अगर कोई पूछे तो आप आराम से बता सकते हो कि ये 5/8 है। कहने का मतलब क्या है कि आप नंबर लाइन में इनको आराम से शो कर सकते हो। अभी मैंने केवल आपको 1 पार्ट के डिवाइड करके बताए हैं, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले अपन ने एक चीज पढ़ी थी ना 1/1 और 3, आपको कोई कहते कि सर ये भी तो एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से मेरे पास क्या है, फ्रैक्शंस ही है, आप इसको कैसे शो करोगे उसके ऊपर, है ना। अब देखो इसको समझते हैं, दो तरीके हैं इसको शो करने। पहले देखो ये वाली आपको चीज पता ही है, ये 4/3 और ये 1/3 क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। अब इसको शो करने का तरीका देखो, इम्प्रॉपर में करोगे इससे अच्छा है आप इसको प्रॉपर में इसमें करो, मिक्स में ज्यादा ईजी हो जाएगा। कैसे, ये देखो ये 1 वाला पार्ट है ना, ये तो पूरा है, कहने का मतलब ये 1 वाला चीज है ना, ये 1 से ऊपर की चीज है। पहले आपको डिफाइन करना ये जरूरी है कि नंबर लाइन के मिड में कहां आएगा, फिर अपन आगे जाके देखेंगे। ये 1 तो पूरा आ ही रहा है, यानी अपन इसको ऐसे भी तो लिखा था 1+1/3, यानी 1 तो पूरा आ ही रहा था, इसमें क्या, यानी अपने पास 1 चपाती तो पूरी थी ही थी, इसके अलावा अपन ने क्या किया था, ये चपाती एक्स्ट्रा ली थी, इसका मतलब ये चपाती एक्स्ट्रा ली थी तो ये वाला जो पार्ट है वो कहां जाएगा, 1 और 2 के मिड में आएगा, 1 और 2 के मिड में आएगा, जैसे अपने वो कर रहे थे, तो ये वाला जो पार्ट कहां आ रहा है, 1 और 2 के मिड में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, इसको मैग्नीफाई ग्लास लगा रहा हूं, तो यहां पे तो हो गया 1 और यहां पे क्या हो गया 2। अब मुझे क्या करना है, टोटल पार्ट कितने हैं इसके 3, तो मैं इसको डिसाइड करूंगा, कैसे करूंगा 1, 2, ये लो 3, मैंने लिखे 3, 3 और 3। अब देखो 1, 2 और 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वहां पहुंच गया अपनी जगह, है ना। अपने इसको इस यहां पे डिवाइड किया तो ये वहां पे आ गया, ऐसे मान लो इसको 3, पहले से 1 था ये 1 है, उसमें ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला इसने, 1 और 3 पार्ट बताओ, तो ये लो इसका, तो इसको कैसे शो करोगे कि आप कहां कहोगे कि देखो सर ये यहां नंबर आ गया, ये वाला नंबर तो था ही था 1 और ये नंबर यहां आ गया। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो 1 और 1/3, और आप चाहो तो इसे 4/3 से भी शो कर सकते हो।
आप सोचोगे सर इसको ऐसे कैसे किया अपने, उसको वैसे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो वो भी समझते हैं अपन, अगर मुझे इसे इम्प्रॉपर में करना हो तो मैं कैसे शो करता, तब मुझे क्या करना होता, तब मैं क्या करता, इन दोनों नंबर्स को लेता है। यहाँ पे मैंने एक नंबर इसको लिया, ध्यान से देखना, इसको तो मैंने जीरो, ये बीच में क्या है मेरे पास वन, और ये क्या है टू। अब मैंने क्या किया इसमें वन एंड थ्री पार्ट में कर रखे, आपको क्या करना है इनको सबको पार्ट में डिवाइड करना है। देखो वन मतलब आपको थ्री पार्ट में डिवाइड करना है, तो वन टू ये थ्री है ना, वन टू थ्री। अब आप क्या करोगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं भाई अपने पास, ध्यान से देखो, थ्री सब जगह थ्री लिख दो आप, तो हर में थ्री थ्री पार्ट ही तो है ना, ये लिख दिया आपने। अब आप इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब आप इसको समझना, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये हो गया, थ्री को थ्री से डिवाइड किया तो क्या आया भाई वन, थ्री को थ्री से डिवाइड किया तो क्या आ गया वन है ना। और अगले ने अपने को क्या पूछा है, फोर अपॉन थ्री तो पूछा है, तो अपन क्या कहेंगे, ये लो फोर अपॉन थ्री यहां पे शो हो रहा है। सिक्स को थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा टू। तो आप इम्प्रॉपर वे में भी करोगे तो भी हो जाएगा और प्रॉपर, और आप अगर मान लो कि मैंने वन वाले पार्ट को अलग कर दिया और इस वाले पार्ट की केवल डिवाइड कर लिए, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके नेक्स्ट देखो, जैसे मैं आपको बोलूं, मुझे आपको बोला गया मुझे नंबर, जैसे कोई भी नंबर दे दिया 5 प्लस वन अपॉन फोर को आप नंबर लाइन में शो करो। एक एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और दे रखा, पहले मैं टू वाला कर देता हूँ जिससे आपको ना वो नहीं रहे सारे ना, अपन उसके अकॉर्डिंग करके चलते हैं। सबसे पहले देखो डू योर सेल्फ है, एक अपने पास दिया हुआ है, डू योर सेल्फ में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो अपने पास क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक पार्ट दे दिया आपको 2/5। अब 2/5 पोर्शन है उसको फॉलो, अब पोर्शन दे रखे हैं उसमें आपको ऐसे तीन डायग्राम बना रखे हैं उन्होंने, ऐसे ऐसे अपने पास तीन पोर्शन बने हुए हैं, ठीक है वन टू। अब इन पोर्शन को आपको 2/5 में शो करना है ना, सॉरी 2/3, आपको 2/3 में शो करना है। कैसे करोगे, अपने पास 1, 2, 3 पार्ट है, आपको इनको सेटेड करना है पार्ट को, तो मैं 2/3 को ऐसे करूंगा, इसके टू पार्ट्स को मैं क्या कर दूंगा सेटेड कर दूंगा, इसका मतलब ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया 2/3, इसमें भी ऐसे ही करेंगे अपन 2/3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास एक डायग्राम बना रखा है और आपको क्या करेगा, लुक एट द सेटेड पार्ट ऑफ द पिक्चर गिव बिलो, राइट इन नंबर्स एंड वर्ड्स हाउ मच इज सेटेड पार्ट। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक आपको ऐसा एक बॉक्स बनाया हुआ है ओके, और इसके अंदर कुछ पार्ट को उन्होंने क्या कर रखा है ये ऐसा, और इसको सेटेड कर रखा है उन्होंने, ये ऐसे सेटेड कर रखा है। अब आपको बोला है कि इसको आप सेटेड पार्ट को आप फ्रैक्शंस में राइट करो, पहले आप पार्ट्स काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आप नीचे राइट करोगे 8। अब इसमें सेटेड पार्ट काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, ये लो 4/8, 4/8 एक तरह से इसको अगर 4 को अपन टेबल में दोनों आते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 1/2, यानी आधे पार्ट, 1/2 का मतलब ये हो गया कि इसके आधे पार्ट क्या है सेटेड है, आधे पार्ट अनसेटेड है, ठीक है। अब देखो ओके, चलो एग्जांपल सेकंड मैंने करवा दिया, अब देखो एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या दे रखा है वो देखते हैं अपन। एग्जाम्पल थर्ड मुझे क्या कह रहा है कि शो द पोर्शन ऑफ 5 + 1/4 ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या कहा गया है कि 5 + 1/4 है ना, उसको नंबर लाइन में शो करो ओके। सबसे पहले नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे ले जाओ, ये हो गया 6। अब ये क्या कह रहा है 5 1/4, यानी 5 तो पूरा पार्ट है, यहां तक का तो पूरा है ही है। अब इसके यानी अब जो अपन को ये 1/4 कहां शो करना है,
यानी ये तो आएगा आएगा, और 1/4 और शो करना है, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर आ रहा है ना, ये 5 और 6 के मिड आ रहा है। कहने का मतलब ये जो नंबर आ रहा है ये क्या है, इसके मिड आ रहा है। यहां तक तो आपने कर ही लिया, अब इसको आप सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे, ये तो हो गई 5 और ये हो गया 6। अब इसको आपने क्या है, यहां पे 1/4 है, इसका मतलब इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1, 2, 3 एंड 4 कर लो, 4, 4, 4 एंड 4 क्या हुआ, 1, 2, 3, 4 क्या बोला गया, आपको कौन सा शो करना है, 5 + 1/4 तो 5 तो आ गया और ये लो 1/4। तो अगर अपन कोई बोले तो अपन क्या बोलेंगे, ये लो 5/1/4 तो ये जो नंबर आप बोल रहे थे ना 5 एंड 1/4 ये नंबर मेरे पास यहां शो हो गया। ऐसे अपन कोई भी नंबर शो कर सकते हैं, एज जैसे अपन नंबर लाइन में ये शो करते हैं वैसे वो नंबर भी अपन शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको अपन थोड़ा इसे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।